प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुरा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, आगामी लोकसभा चुनावों के बाद देश में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। देश में आज मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नौकरी का झांसा देकर गुमराह करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नौजवानों को नौकरी का झांसा देने वालों के खिलाफ विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। बैठक में फार्मा उद्योग की चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया मंथन। चक्रवात रेमल के कारण पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त। चक्रवात के कारण मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत। साल्वाडोरेन नौसेना ने 2 अभियानों में लगभग 3 टन ड्रग्स के साथ 2.7 टन दवाई की जब्त। 6 लोगों को गिरफ्तार कर $67.5 की ड्रग्स की गई बरामद। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपनी अगली फिल्म द ब्लफ पर कर रही काम। फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेत्री ऑस्ट्रेलिया हुई रवाना। अभिनेत्री काजोल की नई फिल्म क्वीन ऑफ क्वींस का टीजर हुआ रिलीज। दर्शकों में फिल्म रिलीजिंग को लेकर देखा जा रहा भारी उत्साह।